कर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी से करेंगे शुरुआत। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आपके अनअकैडमी पे दो स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं। अनअकैडमी पे पहला क्लास जो है वो आपका 10:15 बजे होता है और जो दूसरा क्लास है वो शाम को 4 बजे रहता है। सुबह वाले क्लास में प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है, शाम के क्लास में आपका ग्रुप डी का मॉडल पेपर चल रहा है। आधे से ज्यादा बच्चा यहाँ पे टाइम पास करते हुए कहीं भगवान की दया से घूम रहे हैं, है ना। और अगर एग्जामिनेशन टाइम पे आके किसी ने मुझे बोला कि मैम प्रीवियस ईयर पेपर करा दो, खैर ना है बेटा उसकी, बता दिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जब कुछ लोगों को जुखाम हो जाता है ना, तो वो एक ऐसे होता है ड्रॉप जैसा होता है, नेजल समथिंग, है ना। तो उसके दो ड्रॉप क्या होते हैं, वो नोज में डालते हैं और उसके बाद में कुछ समय बाद उनको प्रॉपर ब्रीदिंग होने लगती है, होता है कि नहीं होता है। बस ऐसे एक वैक्सीन यहाँ पर डेवलप की गई है जो कि क्या है, नेजल वैक्सीन है। क्या है? नेजल वैक्सीन है, देख रहे हो। हाँ गुलशन, इंटरनेशनल लंदन में होगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आइए जरा बात कर लेते हैं। सवाल, इंडिया के अंदर सबसे पहली निडल फ्री इंट्रानेजल COVID-19 वैक्सीन जिसको अभी हाल ही में अप्रूवल दे दिया गया है, सवाल में पूछा जा रहा है कि इसको कौन सी कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, भारत बायोटेक। क्या है? भारत बायोटेक इज द करेक्ट आंसर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, पुणे के अंदर है। भारत बायोटेक कहाँ पर होगा, हैदराबाद के अंदर होगा। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कोविड शील्ड के बारे में, तो कोविड शील्ड ये वो वैक्सीन है जिसको इंडिया के अंदर सबसे पहले अप्रूवल दिया गया था और इसको बनाया गया था किसके द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडिया की खुद की बनाई हुई जो वैक्सीन है वो कौन सी है, तो वो है कोवैक्सीन। कौन सी है? कोवैक्सीन। ये इंडिया ने खुद से बनाई थी भारत बायोटेक के द्वारा। किसके द्वारा? भारत बायोटेक के द्वारा। आइए जरा इस न्यूज को यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखो, जब भी कोई वैक्सीन वगैरह आती है तो पहली चीज तो ये है कि इसको अप्रूवल लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अप्रूवल किससे लिया जाएगा? DCGI से। किससे? DCGI से अप्रूवल लेना पड़ता है। अब ये DCGI क्या है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। क्या है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इनसे अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अब अप्रूवल मिल गया है। इंडिया के अंदर जो ये कोविड है या फिर जो कोरोना है, इसके लिए यहाँ पर भी एक ऐसी वैक्सीन बनाई गई है जो कैसे होगी, ड्रॉप के फॉर्म में होगी और ये आपकी नोज में क्या की जाएगी, इसके कुछ ड्रॉप जो है वो डाले जाएंगे। ऐसा हो क्यों रहा है? देखो, अब तुम में से कुछ ऐसे होंगे, ध्यान से सुनना, तुम में से कुछ ऐसे होंगे जिनको इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, राइट? तो उनके लिए इसको बनाया गया, उनके लिए इसको बनाया गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इसको अप्रूवल मिल गया है और ये जो यहाँ पे आपके सामने वैक्सीन है इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इनकोवैक। क्या नाम है? इनकोवैक। या तो इनकोवैक लिखकर आ जाएगा या फिर इसका जो दूसरा नाम है उस नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोनों में से कोई भी शब्द आपके सामने आएगा तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसको अप्रूवल दिया गया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा और दूसरा अप्रूवल दिया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। किसके द्वारा? हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि मनसुख मंदाविया। कौन है? मनसुख मंदाविया। इन दोनों लोगों ने यहाँ पर इसको अप्रूवल दे दिया है। अच्छा, इससे होगा क्या? इससे कुछ नहीं होगा। इससे सिंपल सी बात है कि जो तुम्हारा नेजल सिस्टम है, यानी कि जहां से तुम ब्रीदिंग करते हो, सारा का सारा जो कांड है कोविड का, वो ब्रीदिंग से ही शुरू होता है। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि ये तो एयरबॉर्न है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो नाक से होते हुए जो वायरस है वो वैसे भी हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं, तो हमारा इम्यून सिस्टम वैसे भी अच्छा काम करेगा। और अगर गलती से चला भी गया, तो यहाँ पर ये वाली जो वैक्सीन है ये आपको हेल्प करने वाली है। समझ गए? ये ध्यान दीजिएगा, फाइन। चलो, तो ये तो बात हो गई यहाँ पर इसके बारे में कि इसको अप्रूवल दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लौती ऐसी वैक्सीन है जिसको अप्रूवल मिला है। आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पर ये सारी चीजें, अब सुनो, ये क्या होगा, नोज के थ्रू जाएगा, मैंने अभी आपको बताया, और इसमें ये कहाँ तक जाएगा, जो आपके लंग्स हैं, है ना, उसको इफेक्ट होने से ये क्योर करेगा।
तो आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से इसकी आपको बॉटल जो है वो देखने को मिल रही है। चलिए बताइए, सेहत योजना क्या है? ये सेहत योजना ये हेल्थ सेक्टर के अंदर लॉन्च की गई है, लेकिन ये किसके लिए लॉन्च की गई है? तो इंडियन आर्मी के अंदर जितने भी सोल्जर्स हैं उनके जो बच्चे हैं है ना, जो कि स्कूलों के अंदर जाते हैं, उनका क्या किया जाएगा? हेल्थ चेकअप किया जाएगा। उनका क्या किया जाएगा? हेल्थ चेकअप किया जाएगा। और ये हेल्थ चेकअप एक साल में कितनी बार किया जाएगा? दो बार किया जाएगा। इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है? हरियाणा के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। क्या है? दिस इज अ हेल्थ चेकअप जो कहाँ पे लॉन्च हो रहा है? हरियाणा के अंदर, जिसमें क्या होगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने बोला है कि हमारी जो इंडियन आर्मी है या नेवी है या एयरफोर्स जो है, उनके जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों का स्कूल के अंदर क्या होगा? हेल्थ चेकअप होगा। और ये हेल्थ चेकअप एक साल में दो बार कंडक्ट किया जाएगा। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया हरियाणा के अंदर। इसमें टोटल कितने बच्चों को कवर किया जाएगा? तो करीबन 25 लाख बच्चों को इसके अंदर कवर किया जाएगा। चाइना जो है ये भी ऑलरेडी एक नेजल वैक्सीन को अप्रूवल दे चुका है, यानी कि इनके यहाँ पे जो कोविड के केसेस हैं वो एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गए, और इन्होंने भी क्या किया, एक नेजल वैक्सीन जो है उसको अप्रूवल दे दिया। इनका नाम आसान है, एवे, यहाँ पे आपको याद हो जाएगा, AD5NCOV। क्या है? AD5NCOV, ये इसका नाम यहाँ पे रखा गया है। इंडिया में डीएनए बेस्ड वैक्सीन कौन सी है? ये सवाल आपके पेपर में अभी आया था, जाइकोडस। कौन सी है? जाइकोडस। कितनी डोज? 3 डोज इसकी लगाई जाती हैं। फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन कौन सी हो जाएगी? तो इंडिया के अंदर कौन सी है? कोवैक्सीन। कौन सी? कोवैक्सीन। अगर आपसे पूछा जाता है नेशनल वायरोलॉजी सेंटर ये कहाँ पे बना है? तो ये पुणे के अंदर ही बना हुआ है। लोकमान्य तिलक अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड दिया गया किसको? साइरस पुणे वाला को। किसको? साइरस पुणे वाला को। अगला है, पद्मश्री अवार्ड से अभी हाल ही में किसको सम्मानित किया गया था? ये भी दिया गया था किसको? साइरस पुणे वाला को। ये साइरस पुणे वाला है कौन? ये है फाउंडर किसके? सेरम इंस्टीट्यूट के। देखो, साइरस पुणे वाला और साइरस मिस्त्री, दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा। पता चला साइरस मिस्त्री को बना दिया यहाँ पर क्या फाउंडर, और यहाँ पर साइरस पुणे वाला को बना दिया किसका? टाटा का। ऐसा मत करिएगा, दोनों का नाम अलग अलग है और दोनों अलग अलग कंपनीज के साथ में जुड़े हुए हैं। ऐसा कांड मत कर दीजिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, अगला सवाल क्या है? फर्स्ट वैक्सीन ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो जिसको अप्रूवल दिया गया था वो थी स्मॉल पॉक्स के लिए। कौन सी थी? स्मॉल पॉक्स के लिए। एडवर्ड जेनर का नाम आपने सुना होगा, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ये जो स्मॉल पॉक्स वाली वैक्सीन है, वैसे तो कहा जाता है स्मॉल पॉक्स जो है वो पूरी दुनिया में से खत्म हो चुका है 1980 में ही, लेकिन कुछ इसी तरीके के जो केसेस हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। किसमें? मंकी पॉक्स की डिजीज के थ्रू। मंकी पॉक्स के जो केसेस थे सबसे पहले नाइजीरिया के अंदर मिले, और उसके बाद में इसके केसेस यूके के अंदर फैलना शुरू हो गए। अगर आपने अभी तक पेड बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है तो आपका पेड बैच जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सेशन को बिना लाइक किए क्विट मत किया करो यार, एक लाइक ही तो करना होता है। पता है मुझे कि वो लाइक वाली फिर जो लिस्ट होती है वो बढ़ जाती है, बट इतना तो कर ही सकते हो। 20% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। आप अनअकैडमी के किसी भी बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अंदर कोड इज प्रति10। कल से ही आपका नया बैच स्टार्ट हुआ है, समय पर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका कोई भी क्लास छूटे ना। इसका लिंक आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, या फिर आप अनअकैडमी ऐप पे जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको क्या मिलेगा? रैंकर्स बैच के नाम से मिलेगा, या टारगेट बैच, मतलब कोई भी इनमें से बैच ज्वाइन कर लो, सारे के सारे बैचेस एक ही साथ में आपको मिल जाएंगे। कोड क्या रहेगा? प्रति10। और अगर आप यहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ में जाएंगे तो भी कोड क्या है? प्रति10। आप चाहो तो EMI के थ्रू भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये बैचेस आपके हर एग्जाम को कवर करेगा, वेदर इट्स रेलवे, इट्स SSC, NDA, CVS, स्टेट PSC का बेसिक, एवरीथिंग विल बी कवर, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जिनका आज एग्जाम है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।